करें? छात्रों, क्लैप एक बड़ा ही नॉवल इनिशिएटिव है जहां पर बच्चों से लेकर महिलाओं तक आप जो अपनी क्रिएटिव लर्निंग है उसे जान पाएंगे, अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो इमोशनल क्वोशेंट के आपकी कुछ गेम्स हो, चाहे वो टैलेंट अपना देखना हो। तो मुझे बहुत खूबसूरत एक मोटिव लगा और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इनका इंटेंट बहुत अच्छा है और ऑडियंस जिस तरह की आई है यहाँ पर, लोग बहुत आतुर हैं लगता है कि इस तरह की चीज़ में आने के लिए। कुछ नई चीज़ है बॉम्बे में, ऐसा शायद कुछ है नहीं। स्कूल्स होते हैं या किंडरगार्टन होता है बच्चों के लिए, या उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं या हॉबी क्लासेस होती हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। सो आई एम हैप्पी कि दे आर स्टार्टिंग दिस एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैडम, अगर आपकी फिल्म की बात करें तो किस तरीके से प्रमोशन चल रहा है? प्रमोशन तो अच्छा चल रहा है, फिल्म की रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है, मतलब जो देख रहे हैं। सो इट्स रियली नाइस एंड मैं पहली बार नेगेटिव रोल कर रही हूँ तो उसकी और एक्साइटमेंट है एंड चाहूँगी कि सब इस फिल्म को बहुत प्यार दें। आपने हमेशा कुछ से कुछ नया ही दिया है अपने दर्शकों को, इस फिल्म में आप नेगेटिव किरदार कर रहे हैं और बाकी लोगों के बारे में जरा से कुछ डिटेल्स बताएंगे? वेल थैंक यू, मेरी ऑडियंस शायद मुझे एक्सपेक्ट करती है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं और इस फिल्म में भी वैसा ही होगा। एंड शबाना जी के साथ मैंने पहले एक फिल्म की है जिसमें मैं उनकी बेटी बनी थी और शी इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एक्ट्रेस और उनके साथ मेरी फेस ऑफ सीन्स हैं इस फिल्म में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जूही के साथ मैं 3-4 फिल्में कर चुकी हूँ एंड अगेन अ फैंटास्टिक एक्टर। तो माहौल जब मज़ेदार होता है तो मज़ा आता है काम करने का एंड टू प्ले मीन टू योर फेवरेट पीपल इज़ नॉट एन ईजी टास्क। 2016 की शुरुआत में क्या कुछ प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? अभी मैं इरादा पे काम कर रही हूँ जिसमें नसीर साहब और अरशद इश्किया के बाद साथ में आ रहे हैं एंड बहुत खूबसूरत रोल है उसमें भी, आप मुझे एक अलग रंग में पाएंगे। फिर 2 नई फिल्में और शुरू कर रही हूँ, एक गर्ल फीमेल चाइल्ड पर आधारित है तो वो बहुत सुंदर होगी, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और ट्रैफिक आने वाली है मनोज बाजपेयी और प्रसन्नजीत के साथ, और नितिन कक्कड़ की फिल्म आएगी राम सिंह चार्ली जिन्होंने फिल्मिस्तान बनाई थी, और शाम बेनेगल की अगली फिल्म आएगी। एक बीच से हटके एक सवाल है कि इनक्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आमिर खान को रिप्लेस करके बच्चन साहब को सरकार में अगर अप्रोच करेंगे बच्चन साहब को, इससे कितना आपको पता है क्या करेंगे? जी मैं तो एक्चुअली मुझे मौका ही नहीं मिला इस खबर को जानने का, तो जिस बारे में मालूम नहीं उस पर कमेंट करना मैं शायद नहीं चाहूँगा।